रूस यूक्रेन युद्ध में कई मासूम निर्दोष लोग और महिलाएं मारे गए और अभी भी युद्ध जारी है और हमलों का शिकार हो रहे हैं। इसे देखते हुए विश्व के कई देश और लोग लंबे समय से चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोके जाने की बात कही है। ट्रंप के बयान पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रतिक्रिया दी है। पुतिन ने कहा कि वे ट्रंप की यूक्रेन में युद्ध रोकने की इच्छा के बारे में कही गई बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। कजाकिस्तान में एक क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने यूक्रेन पर युद्ध को तेजी से हल करने की ट्रंप की क्षमताओं का जिक्र किया। президент заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине. Мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирает это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем. पुतिन का मानना है कि यदि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप जीतते हैं तो यूक्रेन युद्ध रोका जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन जब कोई बड़ा कदम उठाएगा तभी युद्ध समाप्त किया जा सकता है। Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में अज्ञात स्रोतों के हवाले से कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ट्रंप रूस के साथ एक समझौता कर सकते हैं, जिसके तहत यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप या उनके किसी करीबी की तरफ से इस एजेंडे के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस मसले को हल करने के लिए ट्रंप पुतिन के साथ बातचीत भी करेंगे कि रूस कितना यूक्रेनी क्षेत्र अपने पास रख सकता है। ट्रंप नेटो पर खर्च होने वाले अमेरिकी सैन्य खर्च का बोझ कम करने के लिए भी नीति ला सकते हैं, जिसके तहत अपनी जीडीपी का मिनिमम 2% सैन्य पर खर्च नहीं करने वाले नेटो सदस्य देशों को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ महीनों पहले भी ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान नेटो सदस्य देशों पर निशाना साधते हुए साफ कहा था कि अमेरिका उन नेटो देशों का बचाव नहीं करेगा जो रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे रूस को ऐसे देशों पर हमला करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। ट्रंप के इस बयान से नेटो देशों में खलबली मच गई थी। ट्रंप के बयानों से एक बात तो साफ है कि यदि वो चुनाव जीत कर आते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब उनके फैसले यूक्रेन के हित में होंगे या उसके खिलाफ, इस बारे में अभी ठीक ठीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।